उधर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मदरसों की मनमानी पर इस वक्त मोहन यादव सरकार सख्त नजर आ रही है और इसके लिए अब बकायदा विधानसभा में बिल लाने के लिए भी तैयारी हो रही है कि यानी मनमानी किसी की नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मदरसों की मनमर्जी पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मदरसों में काम किया जा रहा है। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखी जा रही है, जबकि रविवार को मदरसे खोले जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि रविवार को मिड डे मील भी बांटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 1500 के आसपास मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मदरसे शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं है। शासकीय नियमों के मुताबिक रजिस्टर्स मदरसे शासन के अनुसार ही चल सकते हैं। मदरसों के इसी रवैये पर अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया जा रहा है और ये मांग की जाएगी कि मदरसों की मनमानी पर नकेल कसी जाए। वहीं मदरसों की सच्चाई जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम बाल आयोग की टीम के साथ माचना कॉलोनी स्थित मदरसा सिद्दीकिया रियाजुल उलूम मस्जिद पहुंची, जहाँ हालात चौंकाने वाले थे। मुख्य शिकायत तो ये थी कि शासन का जो नियम है रविवार का अवकाश, उन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि शुक्रवार के दिन इन संस्थाओं में अवकाश घोषित अघोषित रूप से रखा जा रहा है। जबकि वो मदरसे जो शासन के द्वारा पंजीकृत हैं, अनुदान प्राप्त हैं और उनमें मध्याह्न भोजन भी मिल रहा है। बाल आयोग की टीम ने जब जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि जो शिकायतें बाल आयोग के पास आई थी वो सही है। मदरसे को रविवार की जगह शुक्रवार को बंद रखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी बाल आयोग मदरसों को लेकर कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां दिन दहाड़े एक स्टैंड संचालक की हत्या कर दी गई है और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप भी देखिए ये पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर से रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। वहां स्टैंड संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें स्टैंड संचालक खड़ा दिखाई दिया और इसी बीच एक आदमी उसके पास आता नजर आया। स्टैंड संचालक कुछ समझ पाता, उस आदमी ने पिस्तौल निकाली और स्टैंड संचालक पर दाग दी। गोली लगने से स्टैंड संचालक जमीन पर गिर पड़ा। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्टैंड संचालक को ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई और इसके बाद जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी घेराबंदी कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि अवैध स्टैंड पर कब्जे को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल को उसकी कुर्सी से जबरन उठाकर हटाकर दूसरी टीचर को बिठाकर प्रिंसिपल बना दिया गया। आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, इस एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में मौजूद एक गर्ल्स हाई स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और इस हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। साथ ही व्यवस्था परिवर्तन के इस तरीके पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये मामला बिशप जॉनसन गर्ल हाई स्कूल का है। इस स्कूल में मंगलवार को मॉरिस एडगरदान अपने समर्थकों के साथ प्रिंसिपल के चैम्बर में जबरन घुस गए और वहां एक तरफा ही नए प्रिंसिपल को पदभार ग्रहण करवाया। उसके बाद उनके समर्थक जबरदस्ती मौजूदा प्रिंसिपल को कुर्सी से हटाने लगे, साथ ही मौजूदा प्रिंसिपल को पूर्व प्रिंसिपल में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे पुरानी प्रिंसिपल का पहले मोबाइल छीना जाता है, फिर उन्हें कुर्सी सहित बाहर खींच कर ले जाया जाता है। कुर्सी से उन्हें उठाकर जबरन किसी और को बिठा दिया जाता है और इस घटना को लेकर स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल ने बिशप मॉरिस एडगर दान सहित कई अन्य लोगों पर लूट धमकी बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कर्नलगंज थाने में मामला दर्ज करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। आपको बताएं कि इस मामले में अब कोर्ट में एनटीए की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया है कि पेपर रद्द करना जो है वो ठीक नहीं है। नीट मामले में एनटीए की तरफ से हलफनामा जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें एनटीए की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए पेपर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो बड़ी संख्या परीक्षार्थी हैं वो इसकी मांग यहां पर कर रहे हैं, जिस तरीके से पेपर लीक का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा देते हुए कहा है कि इस पेपर को लीक यहां पर नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं, तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर नीट मामले में एनटीए का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा जो है वो दिया है, परीक्षा रद्द करना ठीक नहीं है। सीबीआई मामले की जांच यहां पर कर रही है। नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब यहां पर दरअसल दाखिल करते हुए कहा है, अपने हलफनामे में एजेंसी ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि कई राज्यों में इस परीक्षा के पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। अपने हलफनामे में एनटीए ने कहा है कि इससे जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां भी की गई हैं और पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने की जांच जारी है। एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही कदम उठाए गए थे, लेकिन परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है और ये होनहार छात्रों के साथ एक धोखा जैसा होगा। तो परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है, ये एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है और ये कहा गया है कि सीबीआई जांच लगातार यहां पर चल रही। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लॉजिक्स मॉल में भयावह आग लग गई। घटना की जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बताया ये जा रहा है कि एक कपड़े के शोरूम में एसी में आग लगी, जिसकी वजह से ये मॉल में फैल गई। हालांकि अभी जांच की जा रही है, लेकिन मॉल में किस तरीके से आग फैली फायर ब्रिगेड ने काबू किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग का तांडव देखने को मिला। वहां कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि वहां धुएं का गुबार उठने लगा, जो देखते ही देखते पूरे मॉल में फैल गया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं मॉल से उठने वाले धुएं को देखकर मॉल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की कई टीम पहुंच गई। सबसे पहले मॉल में मौजूद लोगों को बाहर निकालकर मॉल को खाली कराया गया। इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि शोरूम के अंदर एसी लगा था, जिसमें आग लगने की वजह से पूरा हादसा हुआ। और इसी बीच आपको बता दें, देखिए असम में आई भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 11.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। असम में भीषण बाढ़ का संकट जारी है और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ की वजह से असम में 11.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीएम बाढ़ प्रभावित खुवांग और तोंखा खाट का दौरा भी कर रहे हैं, जहां हाल ही में 2 तटबंध टूट गए थे। राज्य में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान की घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीएम ने कहा कि हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं ताकि 15 अगस्त तक प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।